नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लव सविता किचन में आपका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ काले चने के बहुत ही टेस्टी वड़े। आप इन्हें पकौड़े बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है। यकीन मानिए, आप इन्हें एक बार बना लेंगे तो बार बार आपका मन करेगा बनाने का, इतने ये टेस्टी लगते हैं। और आप इसे जिसे भी बनाकर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करते रहेंगे, इतने ये टेस्टी लगते हैं। और बिल्कुल इनका टेस्ट इतना यूनिक आता है कि आप इन्हें बनाकर खाएंगे तभी आपको पता लगेगा। और ये कैसे बनाए जाते हैं तो चलिए बना लेते हैं। उससे पहले मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितने ये क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एकदम कुरकुरा सा इनका। देखिए, आपको देखने से लग रहा है ना कितने कुरकुरे बने हैं ये, और बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ पास से, बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही पसंद आएंगे। और यहाँ पर मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किए हैं, आप चाहे तो इन्हें चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये कैसे बनाए जाते हैं तो चलिए बना लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर आप इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करना, आपके भी पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर एक कटोरी मैंने ये काले चने लिए हैं जिनको मैंने ओवर नाइट के लिए भिगो दिया था। तो इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप ओवरनाइट के लिए ज़रूर से भिगोए चने, ये अच्छे से फूल जाते हैं और फिर आप बाद में इनके पकौड़े बनाएं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया जिनको बारीक कट कर लिया, तीन हरी मिर्च ली हैं इनको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ में इसमें लहसुन डाल देंगे, 6 से 7 कली लिए मैंने जिनको बारीक कट कर लिया है। और आप चाहे तो इसके थोड़ी सी अदरक भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये हरा धनिया लिया है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। अभी आधा चम्मच इसके अंदर जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, इसमें कलर अच्छा आएगा। और यहाँ पर आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। अभी यहाँ पर बेसन लिया है, बेसन आप इसमें आवश्यकता अनुसार ही डालिएगा, इसमें एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा इसमें बेसन करके डालें। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच डाला पहले, अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे। देखिए ऐसे, अभी पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना, पहले 3 से 4 चम्मच डाला मैंने। अभी ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें थोड़ी सी बेसन की और आवश्यकता बढ़ गई, इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच और डाल दिया है, अभी इसमें अच्छी तरह से भी मिला देंगे। बेसन आप इतना डालें कि अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए, जो भी हमने इसमें जैसे ये चने डाले हैं और ये जैसे प्याज डाले हैं, सारे अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए बेसन की, तो इतना हम इसके अंदर डालेंगे। अभी यहाँ पर इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हाथों से इसे मिक्स कर देते हैं। अभी ये थोड़ा सा पतला लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल देंगे। ये देखिए, अभी ये बहुत ही पतला है तो इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल देंगे। बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए और नहीं ज़्यादा टाइट होना चाहिए, इन बातों का आप ध्यान रखिए। अभी 2 चम्मच और मैंने बेसन डाल दिया है, टोटल इसके अंदर 1 कटोरी बेसन लग गया है। अभी हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसके आप पकौड़े चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं कढ़ाई में, या फिर आप इसके थोड़ी सी शेप बनाकर रख लें, फिर बाद में इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बड़े होते हैं ना, जो उस तरह से बना रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं बड़े बना रही हूँ, तो इसे ऐसे बना कर रख लेंगे, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। और सारे ऐसे ही बनाकर पहले तैयार कर लेंगे, फिर बाद में हम फ्राई करने चलेंगे गैस की तरफ। और ये देखिए, सारे ऐसे ही बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं, अभी चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस पर मैंने ऑयल पहले से रख दिया था, अभी ऑयल अच्छे से गर्म है तो चेक करने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर पेस्ट डाल देंगे। अब ये देखिए, पेस्ट अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है, इसका मतलब ऑयल अच्छी तरह से गर्म है, इतना ही हमें चाहिए। तो इसे निकाल देते हैं, अभी बड़े इसमें डाल लेंगे कढ़ाई में, आराम से आ जाए ना कढ़ाई में उतनी डालिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, अभी 1 से 2 मिनट तक इन्हें पकने देंगे। ये जब नीचे से ना सिक जाए ना अच्छी तरह से, यानी गोल्डन हो जाए ना, तभी इन्हें पलटेंगे। तो ये देखिए, अभी ये गोल्डन हो चुके हैं तो अभी इन्हें दूसरी साइड से पलट देंगे। देखिए ऐसे, जब नीचे से पक जाए ना तभी आप इसे पलटिएगा। देखिए, और इन्हें ना बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी, यानी जैसे गोल्डन कलर आने तक सेक लीजिएगा,
ताकि खाने में अच्छा टेस्ट आए। तो देखिए इसे पलट देते हैं और पलट पलट कर 2 से 3 मिनट तक और इसे पका लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है इनका, तो इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको, बहुत ही अच्छे से ना गोल्डन कलर आ चुका है इनका, बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी बचे हैं ना उन्हें भी ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ऐसे ही डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ना दूसरा बैच भी तैयार हो गया है और ऐसे ही ना सारे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं, अब इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें सर्व करते हैं। आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इन्हें चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए सारे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो चलिए इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए पास से दिखाती हूँ आपको, बहुत ही कुरकुरे बने हैं ये, और ये देखिए कलर से ही आपको दिख रहा है ना कितने ये क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये टमाटो केचप के साथ सर्व कर लिए हैं, बहुत ही कुरकुरे एकदम क्रिस्पी ये पकोड़े कह लो आप या फिर वड़े कह लो, बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे ये बनकर तैयार होते हैं और इनका टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि आप एक बार बना लेंगे तो बार बार आपका मन करेगा बनाने का। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।